हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों, अगर आप आईफोन 10 खरीदने जाओ मार्केट में तो अभी वैल्यू है 89,000 रुपीज़ और कहीं जगह पे 84,000-85,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। डिपेंड क्या कैशबैक मिल रहा है, क्या ऑफर्स मिल रहे हैं इस टाइम पे आईफोन 10 पे। लेकिन अगर आप लोगों को आईफोन 10 खरीदना है और आपके पास बजट नहीं है तो आप आईफोन से मिलता जुलता फ़ोन खरीद सकते हो। बेसिकली मेरे पास है यहाँ पे ओकीटेल U18 और कहने को ये आईफोन 10 का कॉपी है, क्लोन है, लेकिन इसमें है 4GB रैम, प्रोसेसर बहुत अच्छा है। तो देखते हैं क्या ये अच्छा है और अच्छा लग पाता है आईफोन 10 के सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी आएगा साइड में, उसको दबा दें या हिला दें ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को पता चल जाए। तो ये है मेरे पास ओकीटेल U18 का बॉक्स, पूरा वाइट कलर का, यहाँ पे लिखा है ओकीटेल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पीछे की तरफ बॉक्स के अगर हम देख लें तो यहाँ पे कुछ स्पेक्स हैं, जैसे ओकीटेल स्क्रीन साइज़ है 5.8 इंचेस, जो कि आईफोन 10 की स्क्रीन का साइज़ भी 5.8 इंचेस है। यहाँ पे OS है एंड्रॉयड 7.0 यानी कि नूगट, ग्रेविटी सेंसर वगैरह यहाँ पे मेंशन करे गए हैं और यहाँ पे कलर है ब्लैक, गोल्ड, रेड, ब्लू, वाइट, बहुत सारे कलर्स में आता है बट हमारे पास ब्लैक है। तो चलो इसको हटाते हैं कवर को यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास है फ़ोन, ये रहा स्टार्टिंग में, और इसको निकाल लेते हैं और सबसे पहले रखते हैं इसको साइड में, बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या है। तो इसको जब रखते हैं साइड में तो यहाँ पे आपको पावर अडैप्टर देखने को मिल जाता है और ये फास्ट चार्जर वाला नहीं है, सिंपल पावर अडैप्टर आपको देखने को मिल जाता है जो कि है 5 वोल्ट्स एट 2 एम्पेयर। साथ ही में एक डोंगल देखने को मिल जाता है क्योंकि आईफोन 10 में भी हेडफोन जैक नहीं है तो इसमें तो होने का सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ पे आपको USB टाइप सी देखने को मिल जाता है फॉर फास्ट डेटा ट्रांसफर्स। तो ये है कंप्लीट बॉक्स, साथ में है कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एप्पल की तरह कोई स्टिकर्स नहीं दिए ओकीटेल वालों ने अपने। तो ये है कंप्लीट फ़ोन, देख लेते हैं यहाँ पे। और स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और केस भी प्री अप्लाइड है जो कि एक सिलिकन केस है, तो आपको 100-200 रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे और इसका तो मिलेगा भी नहीं मार्केट में। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक स्क्रीन गार्ड सी, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो पीछे से तो कहीं से घंटा आईफोन 10 की कॉपी नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि देख सकते हो आईफोन 10 पूरा कम्प्लीटली ग्लास बैक में आता है और यहाँ से मेटल में है। और जो कैमरा है, जो कैमरा सेटअप है, जो कैमरा हाउसिंग है, वो भी आईफोन 10 में राइट साइड पे दी गई है और यहाँ पे मिडिल में दी गई है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जो कि आईफोन 10 में बिल्कुल भी मिसिंग है, वो अच्छी चीज़ है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फ़ोन को कर लेते हैं ऑन, नीचे की तरफ नॉच भी देखने को मिल रही है जो कि क्लियर पता चल रही है। ओकीटेल ऑन हो गया फ़ोन। तो फ़ोन में आप लोग देख सकते हैं जो फिजिकल ओवरव्यू है, राइट साइड में आपको देखने को मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, पावर ऑन एंड ऑफ कीज़, और लेफ्ट साइड में है सिम इजेक्टर ट्रे जहां से आप अपनी सिम इंसर्ट कर सकते हो। ऊपर टॉप साइड में एंटीना बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बॉटम में आपको देखने को मिल जाता है USB टाइप सी पोर्ट जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, और स्पीकर ग्रिल्स और एंटीना बैंड्स और प्राइमरी माइक्रोफोन, बस यही है। तो फ़ोन हो गया यहाँ पे ऑन और फ़ोन बिल्कुल भी देखने में, यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो अच्छी है, क्वालिटी मेरे को पसंद आई, और AMOLED स्क्रीन दी गई है। यहाँ पे OLED स्क्रीन नहीं है बट स्टिल AMOLED स्क्रीन दी गई है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, और इम्प्रेस जो मैं डिस्प्ले से काफ़ी। और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी दी गई है क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी का आइकन है वो कट नहीं रहा है बिल्कुल भी, काफ़ी अच्छे से राउंडेड हो रहा है। ऊपर की तरफ डिस्प्ले ज़्यादा राउंडेड है, नीचे की तरफ उतनी नहीं है। टच कैपेसिटिव कीज़ यहाँ पे दिए गए हैं जो सॉफ्ट कीज़ हैं। नीचे की तरफ चिन ज़्यादा है जो कि ऑब्वियसली आईफोन 10 में देखने को नहीं मिलती, जितने भी आए हैं नॉच वाले फ़ोन सब में चिन देखने को मिल रही है। कॉपी करना है तो ढंग से करो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इतनी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल स्टॉक एंड्रॉयड जैसा दिखता है, तो वो अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा कुछ इन्होंने अपना बनाया नहीं हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 7.0 नूगट, स्क्रीन साइज है, स्क्रीन रेजोल्यूशन मेंशन किया गया है जो कि है HD रेजोल्यूशन। जो एस्पेक्ट रेशियो है यहाँ पे वो है 19:9 वाला जो कि अच्छी चीज़ है। साथ ही में जो स्टोरेज है इस फोन में वो आप देख सकते हैं, ये 64GB स्टोरेज वाला फ़ोन है जिसमें से फ़ोन अभी कम्प्लीटली स्टार्ट हुआ है, जिसमें से 52.88GB फ्री है 64GB में से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही में यहाँ पे आपको मेमोरी मिल जाती है 4GB की, यानी कि 4GB की रैम देखने को मिल जाती है जिसमें से 1.1GB ही यूज्ड है, अराउंड 3GB के आसपास फ्री है। यहाँ पे एक फुल स्क्रीन मोड मिलता है क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो सपोर्ट नहीं करती। इवन आईफोन में अगर आप स्नैपसीड ओपन करोगे तो वो फुल स्क्रीन पे ओपन नहीं होता, स्क्रीन कट के आती है, नॉर्मल 16:9 एस्पेक्ट रेशियो को ही सपोर्ट करती है वो ऐप। तो यहाँ पे उन ऐप्स को आप फोर्सफुली 18:9 या फिर 19:9 जो कि इसका एस्पेक्ट रेशियो है उसमें चला सकते हो। यहाँ पे सारी जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो उसी तरीके से कस्टमाइज़ करी गई हैं, जो अच्छी चीज़ है। साथ ही में अब हम इसका कैमरा देख लेते हैं, जो बेसिक सा इंटरफेस होने वाला है उसका भी। तो यहाँ पे जो कैमरा एप्लीकेशन है,
कैमरा एप्लीकेशन का, ये रही कैमरा एप्लीकेशन, इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे काफ़ी बेसिक सा, बहुत बेसिक सा इंटरफेस है। पीछे दो कैमरा हैं और एक है 13 मेगापिक्सल का और एक है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बेसिक सा है, ज़्यादा कुछ अच्छी फंक्शनैलिटी नहीं है, लेकिन 10 में से 9 बार काम कर जाता है। ज़्यादा फास्ट नहीं है, बट आपका काम सारा हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे कैमरा इंटरफेस में आप देख सकते हैं वीडियो, फोटो, फेस, ब्यूटी, ब्लर और मोनो जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैं ब्लर ऑप्शन की बात करूं जो कि है पोर्ट्रेट मोड, तो काम नहीं करता सेकंड कैमरा। चेक कर सकते हो, सेकंड कैमरा काम ही नहीं करता इसका। मतलब सेकंड कैमरा घटिया है, नाम के लिए दिया गया है, बस वही कर रही है चाइना कंपनीज आजकल सारी। सेकंड कैमरा दे देती हैं, काम करता नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। फ्रंट कैमरा अच्छा है, फ्रंट कैमरा ठीक ठाक काम करता है। और पीछे की तरफ से फ़ोन की डिज़ाइन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ये प्लास्टिक की फील होता है और शायद ये खुलता है पीछे से, नहीं खुलता नहीं है। सिम इजेक्टर टूल, सिम इजेक्टर ट्रे यहाँ पे दी गई है, तो यहीं से सिम डालोगे, बट प्लास्टिक फील होता है और मज़ा नहीं आता यूज़ करने में। फ़ोन को पकड़ने में प्रीमियम फील नहीं आती। और यहाँ पे भद्दा सा एक कैमरा के ऊपर वो दे रखा है मोटी सी स्ट्रिप, जो कि डिज़ाइन को एनहेंस करने के लिए दिया होगा, लेकिन उससे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा और बेकार हो रहा है। सिंपल मैट ब्लैक देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे जो ये फ़ोन है नॉर्मल यूज़ के लिए अच्छा है, अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो फेस रिकग्निशन है वो बिल्कुल घटिया है, 10 में से 3 बार काम करेगा, 7 बार आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा अपना, तभी काम करेगा। आईफोन से कंपेयर नहीं कर सकता ये फ़ोन कहीं से भी, किसी एंगल से भी। लेकिन डिज़ाइन वाइज अगर आपको चाहिए, नहीं है ऐसे नहीं होते बहुत लोगों पे, तो कोई नहीं, खरीद लो। अदरवाइज ओप्पो वीवो में भी नॉच आ रही है, और अब तो वन प्लस भी आने वाला है नॉच के साथ। फिलहाल मैं भी वेट कर रहा हूं वन प्लस के नेक्स्ट मॉडल का, जब भी आएगा आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल के लिए इस फोन के लिए मेरी ओपिनियन है, इसको मत खरीदना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी या नहीं होगी, होगी जरूर, चेक कर लेना जाके कि कितने का यह फोन, बट मत खरीदना क्योंकि उतना अच्छा फ़ोन नहीं है। बट डिस्प्ले क्वालिटी अमेजिंग है, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन है, तो जो ब्लैक्स हैं वो एकदम ब्लैक्स दिखने वाले हैं, इंकी ब्लैक्स। जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है, लेकिन जो चीज़ बुरी है वो बुरी है। ओवरऑल कंप्लीट पैकेज वैल्यू फॉर मनी नहीं है मेरे हिसाब से, तो आप इस फोन को मत लेना। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आईफोन 10 का क्लोन अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, अदरवाइज आपकी अपनी राय है। दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जब भी लेटेस्ट ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ डालूँ तो आप लोगों को पता चल जाए। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में।